नमस्कार, जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने B1 एग्जामिनेशन के लेजन, योरन और श्राइबन टाइल्स देखे थे। आज हम स्प्रेशन टाइल देखने वाले हैं, तो चलो करते हैं शुरू। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई स्प्रेशन के कौन से पार्ट होते हैं। एकदम सिंपल पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसमें आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ तो प्लान करना होता है कि भाई आपको एक पार्टी प्लान करनी है या कोई एक ट्रेवल प्लान करना है, वो हम बाद में इन डिटेल देखेंगे। उसको 28 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना होता है, लाइक भाई बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए कि नहीं टाइप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना होता है। उसके लिए 40 मार्क होते हैं। और वो जो आपने प्रेजेंटेशन दिया उस पर आपका पार्टनर और एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, उसको आंसर देना, और आपके पार्टनर के प्रेजेंटेशन पे उसको फीडबैक देके उसको क्वेश्चन पूछना, ये थर्ड टाइल है। उसको 16 मार्क है। और इस सब में आपका उच्चार कैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन औष्प्राख, उसके लिए और 16 मार्क। तो टोटल आप देखोगे तो टोटल 100 मार्क होते हैं। अगेन 60% को पासिंग है। अगेन डिटेल जाने से पहले अगर आपको याद होगा श्राइबन, जैसे हम इसके किस पॉइंट्स पे आपको वो चेक करेंगे वो हम देखते हैं। एग्जैक्टली सेम है वो पॉइंट्स। पहला है एरफ्यूलुम, आपने सारे पॉइंट्स पे कवर किए हैं क्या, सारे पॉइंट्स पे आप बोले हैं क्या, ये है एरफ्यूलुम। दूसरा है कोहेरेंसी है, पर जब आप पार्ट वन करोगे तो इट्स अबाउट इंटरेक्शन कि बाबा आप इंटरेक्शन कर रहे हो या अपना अपना ही बोलते जा रहे हो या उसका भी सुन के उससे इंटरेक्शन कर रहे हो ये। और पार्ट टू जब आप प्रेजेंटेशन करोगे तो अपना कोहेरेंस कि भाई आपके इसको एक फ्लो है क्या। और वर्डशार्ट्स और स्ट्रक्टोरियन तो हमने श्राइबन में देखा ही है कि भाई आपकी वर्डशार्ट्स कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, और आप ग्रामर ठीक से हैंडल कर पाते हो या नहीं। दैट्स ओके। तो इनपे आपको जज किया जाएगा। और एनीवे 16 मार्क तो अपने अपने उच्चारों के लिए है ही, आप थ्रू आउट कैसे आप उच्चार करते हो उस पे, ठीक है। तो देखो ये अभी ये एग्जाम कैसे होती है हम देखते हैं। तो बेसिकली दिस इज जनरली अ पार प्रूफिंग, मतलब क्या कि आप और आपका पार्टनर दोनों मिलके एक साथ ये एग्जामिनेशन देते हो। इन वर्स्ट केस अगर पार्टनर नहीं है तो वन ऑफ द एग्जामिनर एक्ट्स एज योर पार्टनर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप और आपके पार्टनर अंदर जाते हो, फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप अलग अलग बैठते हो, और फिर आपको दो टॉपिक दिए, मतलब दो चीजें दी जाती है। पहला कि आपको एक साथ क्या प्लान करना है, और दूसरा कि आपको दो थीम दी जाती है, उनमें से जो आपको इजी लगे वो आपको चूज करनी है, और उस पर आपको पॉइंट्स बनाने हैं। वो पॉइंट कैसे बनाने हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो जब ये 15 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है तो आप दोनों जाते हो, दोनों एग्जामिनर के सामने जाते हो। फिर एग्जामिनर बोलता है कि भाई मतलब हर्सलिश वेलकम, कैसे हो, नाम क्या है आपका, क्यों जर्मन सीख रहे हो, कब से जर्मन सीख रहे हो टाइप। इट्स जस्ट फॉर कि आइस ब्रेकिंग के लिए, इसको कोई मार्क नहीं होते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी स्माइलिंग, थोड़ा हैप्पी, उससे अच्छा इंप्रेशन हमेशा जाता ही। ओके, और फिर बोलते हैं कि भाई चलो शुरू करते हैं प्लानिंग। तो फिर आपको दोनों को शुरू करना होता है कि भाई पहला जो टॉपिक था अभी आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, तो इसमें क्या है कि भाई आप दोनों ने किसी स्पर्धा में भाग लिया था और आपने दो टिकट जीते हैं क्योल को जाने के, और वहां पे आप कैसे जाओगे कि बाबा, उसके लिए आपको चार पॉइंट दिए हैं कि बाबा कब जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या लेके जाओगे, ये चार पॉइंट दिए। तो आपको उस पॉइंट पे मिलके कुछ प्लानिंग करना है, एकदम सिंपल है राइट, कि भाई एक दूसरे से बात कर सकते हो, अरे भाई हाँ कब निकलते हैं, सैटरडे को निकलते हैं क्या, अरे नहीं उससे अच्छा है फ्राइडे इवनिंग को निकलते हैं तो इजी होगा। ओके, तो फिर कैसे जाते हैं, बस से या ट्रेन से, ट्रेन बहुत महंगा हो गया यार, बस से ही जाते हैं। ओके, और फिर मेरे दादाजी रहते हैं वहां पे, उनके साथ हम रहें क्या, तो अरे नहीं वो बहुत दूर होगा, उससे अच्छा है कि हम एक होटल लेके रहते हैं, और क्या लेके जा सकते हैं, ठंड होगी हम पुलोवर लेके जा सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप बात कर सकते हो। आपको अगर चाहिए तो आप एक दूसरे आपके एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, या फिर कि जैसे कि अरे वहां पे देखने लायक कुछ चीज है हम देखते हैं क्या, या फिर वहां का कुछ तो बहुत फेमस है हम वो खा के देखे क्या, ऐसे एक दूसरा पॉइंट आप भी ऐड कर सकते हो, एकदम सिंपल है राइट। देखो नॉर्मल प्लानिंग करना है तो इसके लिए आपको ना कुछ ज्यादा रेडी मेटल यूज करने की जरूरत है या कुछ भी नहीं, फिर भी अगर आपको पॉसिबल है तो आप कात्सवाई यूज कर सकते हो, वी वेयर एस करके बोल सकते हो, या फिर क्योंटन वियर, नहीं है तो नॉर्मली बोल सकते हो कि बाबा क्योंन वियर 10-10-10 माखन, ऐसे आप करके आप अपने सजेशन दे सकते हो, वो जो भी बोले उसको याद ऐसे चाहे गुटे ईडे वगैरह बोल सकते हो। हाँ, या फिर उसकी अगर पसंद नहीं है तो पता नहीं यार अच्छा होगा कि ऐसे बोल सकते हो कि इश वाइज निश्ट एस वेर बेसर, ऐसे करके आप
बोल सकते हो, वेरी सिंपल। बट अगेन प्लानिंग है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दोनों में डायलॉग हो। अगेन अगर वो ज्यादा नहीं बोल रहा है तो उसको थोड़ा बोलने को बोलो कि भाई तुम्हारा इस विषय में क्या ओपिनियन है, या फिर उसको बोलो अगर बहुत ज्यादा बोल रहा है तो भाई उसको बोलना कि भाई मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बोलू क्या, ऐसे आप पूछ सकते हो। क्योंट्री शेट वॉज दत्सु जागन, मैं कुछ बोलू क्या उस बारे में। अगर वो कुछ बोल रहा है, वो अगर आपको सुनाई नहीं दिया ठीक से, तो डोंट वरी, आप उसको पूछ सकते हो कि भाई एक बार फिर से बोलोगे क्या। कांजुदास बिटे नौकाइन मल जागन, डायरेक्ट पूछ सकते हो आप, डोंट वरी कि भाई उसका सुनाई नहीं दिया तो फिर गेस मत करो। इट्स वेरी सिंपल टाइल है, जस्ट इंटरेक्शन करते जाओ, दैट्स इट। सेकेंड टाइल जो है उसमें आपने देखो, आपने एक थीम चूज की थी, राइट? तो वहां पे क्या होता है, देखो कोई भी थीम हो, जो भी थीम हो उसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको उन्होंने दिया होता है। देखो श्राइबन में भी हमने माइनूंग लिखा था, यहां पे हमको माइनूंग लिखना है। पर यहां पे अपने पास एडवांटेज क्या है कि उन्होंने एक ऐसे 5 पॉइंट दिए हुए हैं ऑलरेडी। कोई भी थीम हो, वो पॉइंट तो हमेशा क्लियर ही रहते हैं। कौन से? कि भाई वो थीम क्या है उस पे बोलो, फिर तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस क्या है उस पे बोलो, फिर उसके बाद तुम्हारे कंट्री में, तुम जहां से आते हो वहां पे उसकी कंडीशन क्या है वो बोलो, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज दो और उसके हिसाब से तुम्हारा ओपिनियन दो, और एंड में थैंक यू वगैरह बोलो, एंड करो। तो थीम कोई भी हो, हमेशा ये सेम ही रहने वाला है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थीम क्या है, कि भाई बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए कि नहीं। तो आप उस पर क्या बोल सकते हो, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई बच्चों को मोबाइल फोन देने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम तो मोबाइल फोन थे ही नहीं, जब कॉलेज में आया तो मोबाइल फोन मिले, मेरी बच्ची भी कभी कभी मोबाइल फोन यूज करती है। पर इंडिया में आजकल तो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ना सिर्फ खेलने के लिए पर पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं। मेरे हिसाब से उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि वह बच्चों की आंखें खराब हो सकती है, वो दिन भर मोबाइल पे ही रहते हैं, वो खेलते नहीं, और उसके कारण वो मतलब उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर दूसरी साइड से भी बोल सकते हो, हाँ मुझे पता है कि एक का दूसरा उसका एडवांटेज भी है कि भाई मतलब उससे आप कुछ सीख सकते हो, पर वो वर्थ है क्या, समझ रहे हो? और एट द एंड आप बोल सकते हो कि बाबा एट द एंड मुझे बोलना है कि भाई बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल है, राइट? अगेन उसको बनाना कैसे है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि बाबा हॉयटमयोष्टये शुभरदास थेमा डॉट डॉट स्प्रेशन, ऐसे आप बोल सकते हो। फिर कुछ कुछ कहीं कहीं लोगों को आदत है कि भाई क्या बोलने वाले हो, फिर से बोलो कि भाई सुवेरष्टमयोष्टये दास जागन दानाक दान और झुमश्लुस वगैरह। मैं खुद वो नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलना शुरू करता हूं, और फिर आप डायरेक्ट बोलना शुरू कर सकते हो कि बाबा मेरे बचपन में क्या हुआ, इन माइनर किंड हाइट ऐसे ऐसे हुआ, या फिर अगर आप अभी का बोल रहे हो तो वो भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप अपनी होम कंट्री की सिचुएशन के बारे में बोल सकते हो, इन माइनर हाइमट लैंड क्या होता है करके आप बोल सकते हो। उसके आप बोल सकते हो कि बाबा जिस साइड से हो, अगर आप पॉजिटिव साइड से हो तो बोल सकते हो इज गिफ्ट फील अ फॉर टाइलर, अगर आप उल्टे साइड से हो तो इज गिफ्ट फील अ नॉट टाइलर करके बोल सकते हो, उनको वहां पे पुट करो। उसके बाद आप एंड में बोल सकते हो कि भाई हाँ उसके थोड़े से, अगर आप नाकटाइल बहुत बोले हो तो एक का दूसरा फोरटाइल भी बोल सकते हो, नेचुरली गिफ्टेस फोरटाइल हो कैसे आप, या फिर अगर आपने फोरटाइल बहुत बोले हो तो आप बोल सकते हो नेचुरली गिफ्टेस नाकटाइल हो कैसे भी आप बोल सकते हो। और एट द एंड जैसे हमने श्राइबन में देखा था कि भाई जुजाबेन फासन मोस्टे जागन दास करके बोल सकते हो, और एक रीजन दे सकते हो व्हाई, क्यों, क्योंकि सो दैट इट गिव्स। और फिर एंड में आप बोल सकते हो कि बाबा आपने ध्यान दिया इसलिए मैं थैंक यू हूं, इश बेडंग कमिश फ्यूर यर ऑफ मैग्जाम काइट। एकदम सिंपल है, राइट? ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। आप बोलते क्या हो, आप बोलते क्या हो और आप क्लियरली बोलते हो, इस पे सब डिपेंडेंट है। अगेन जो टाइल 3 होती है इसके साथ ही जुड़ी होती है। एज सुन एज आप ये प्रेजेंटेशन दोगे, वो जो आपका जो पार्टनर होगा वो बोलेगा कैसे गया, उसको कैसे लगा आपका प्रेजेंटेशन, और एक का दूसरा सवाल पूछेगा। आप उसके सवाल का ठीक से जवाब देना, फिर एग्जामिनर भी आपको एक सवाल पूछेगा, उसका भी शांति से आंसर देना। फिर जब आपका पार्टनर होगा उसका जब प्रेजेंटेशन होगा, आप वो ठीक से सुनना, फिर उसको बोलना कि भाई तूने बहुत अच्छा बोला और मुझे एक आध दूसरा सवाल है। दी प्रेजेंटेशन हार्ट मी अ गुड गेफालन इशाब नुआ नौ खाइन फ्रागल, ऐसे करके आप बोल सकते हो, दैट्स इट, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये है आपकी थर्ड टाइम, और ये जब दोनों का हो जाएगा तो एग्जामिनर बोलेगा थैंक यू, आपने बहुत अच्छी एग्जाम दी, बाय, दैट्स इट। अभी हम आते हैं टिप्स को।
ओके तो सबसे पहले एग्जामिनेशन से पहले क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो, राइट। तो मेरी टिप हमेशा रहेगी कि पांच मिनट हर रोज जर्मन बोला करो। 5 मिनट बहुत होते हैं। शुरुआत में आप खुद से ही बात कर सकते हो कि अभी मेरे को चाय पीनी है तो इश मिस्टर टे ट्रिंकन, खुद से ही बातें करो। जैसे जैसे आगे जाओ एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले में भी आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हो और उस पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ओपिनियंस दिए हैं, वो आप और कुछ थोड़े ओपिनियंस प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो आपको हेल्प होगा। अगेन अगर आप देखोगे क्या करना है आपको, एकदम सिंपल पार्टी या ट्रेवल प्लान करनी है और एकदम सिंपल थीम पे, आपकी डे टू डे लाइफ की थीम पे बोलना है, अगर आपको ठीक से बोलना आता है तो इस एग्जाम के लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो जो वोकैबुलरी थी वो आपने ऑलरेडी लेजन श्राइबन के लिए की होगी। इवन जो रेडेमिटल टाइप है, जो नोमिन वर्ब फेरबेंडुंगेन है, वो आपने श्राइबन के लिए इससे ज्यादा किए होंगे। तो आपके लिए अलग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। अभी एग्जाम के वक्त इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो पहले 15 मिनट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपरेशन के लिए दिए हैं, क्योंकि उसमें आप शांति से समझ ले सकते हो और पॉइंट्स बना सकते हो। तो मेरा खुद का मानना है कि भाई सबसे पहले शांति से क्या करो, पहला ये ठीक से देख लो, फिर दूसरे थीम्स में कौन सी आपको इजी लगती हो पहले शांति से चूज कर लो और फिर उस पर पॉइंट्स बनाओ। जनरली कैसे है कि जो पहला है उसमें एनीवे आपको प्लानिंग करनी है, दूसरे को रिएक्ट करना है, तो वो ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। तो 5-6 मिनट उस पर नोटिस बनाओ और ज्यादा टाइम 9-10 मिनट दो कि भाई जो आप प्रेजेंटेशन करने हैं उसके पॉइंट्स बनाने पे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, मेरे लिए ये अच्छा होता है। अगेन नोटिस कंप्लीट सेंटेंस में नहीं बनाने, एक तो टाइम जाएगा और दूसरा ये कागज आपको वापस देना होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ने की एग्जाम नहीं है, राइट। तो इट डजंट गो वेल विद द एग्जामिनर। तो पूरे सेंटेंस नहीं लिखना, सिर्फ जो पॉइंट आपको लिखना है कि वो मोबाइल नाक टाइलर निस्ट गुड फ्यूर गेजुंडाइट फोर टाइलर क्योंन लर्नन, उसका आपको उसका मीनिंग समझ में आया तो बस। ये नोटिस अगर आप ठीक से रेडी रखोगे तो आपको आगे आसानी होगी। फिर जब एग्जाम चालू होगी, जितना हो सके काम रहना, स्माइलिंग रहना। पहले जो आपको प्लानिंग करनी होती है, जैसे मैंने बोला, ट्राई टू हैव मोर एंड मोर ऑफ डायलॉग कि बाबा आपके पॉइंट्स बताओ, उसके पॉइंट्स पे रिएक्ट करो, अपने ही पॉइंट पे अडिग नहीं रहना कि भाई उसको भी बोलने देना। अगर वो ज्यादा बोल रहा है तो पोलाइटली ब्रेक करना, कम बोल रहा है तो उसको बोलना कि भाई तेरा क्या मानना है इस बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बाबा सारे पॉइंट कवर करना जो 4 दिए हैं, एक्स्ट्रा करोगे आप अगर अपने अपने खुद के तो और भी अच्छा है। कॉन्सेप्ट समझ में आई? अगेन इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे है कि डायलॉग होना, अगर कुछ ठीक से समझ में नहीं आया तो फिर से पूछना, डोंट वरी। ओके, और जो नेक्स्ट टाइल है उसमें आपको क्या करना है कि भाई आपको देखो राउंड अबाउट 3 मिनट आपको बोलना है, तो ज्यादा फास्ट भी मत बोलना, शांति से बोलना, क्योंकि फास्ट बोलोगे तो गलतियां भी होंगी, अचानक बोलते बोलते अटक गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांत हो जाओ, फिर से शुरू करो, इट्स ओके। मतलब जहां पे रुके थे वहां पे एक पॉज लो, फिर से आप बोलना शुरू करो वहीं से, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, कीप इट सिंपल। देखो सिंपल करेक्ट बोलना इज लॉट बेटर देन कॉम्प्लेक्स गलतियों के साथ बोलना, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्योंकि स्पेशली एक्सप्रेशन में आपको फिर उसको करेक्ट करने को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपका पॉइंट सामने वाले को समझे ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाओ, सिंपल रखो, नया कुछ वहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट में ट्राई मत करो, जो आपने अभी तक करते आए हो वैसे ही बोलते जाओ। सारे पॉइंट्स पे बोलना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबा सारे पॉइंट्स पे बोल के आओ। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि पढ़ना नहीं, ये पढ़ने की एग्जाम नहीं है, जब नोटिस लगे तब नीचे देखो, अदरवाइज एग्जामिनर की तरफ, आपके पार्टनर की तरफ देख के बोलो, इट गिव्स यू एडवांटेज। समझ में आया? और थर्ड टाइल तो एकदम सिंपल है कि भाई सामने वाले का जब प्रेजेंटेशन हो तो अरे तूने बहुत अच्छा किया बोलो, और फिर उसको बोलो कि बाबा मुझे और एक क्वेश्चन है, और उसने जब क्वेश्चन पूछे या एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर दो। एकदम सिंपल है, राइट। एज आई सेड, अगर आपको ठीक से बोलना आता है तो एक्सप्रेशन के लिए आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे शांत रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आशा है कि आपको B1 एग्जामिनेशन का पैटर्न ठीक से समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।